हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बहुत ज़्यादा स्वस्थ तो नहीं हूँ क्योंकि जुकाम बुखार दोनों है तो इसको स्वस्थ तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और मेरे साथ मेरा क्यूटी भी ऐसा ही है, उसको भी फीवर है, मुझे भी फीवर है। तो यहाँ पर मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा ना लीजा के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, क्योंकि लीजा के साथ खेलो ना तो इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इनके साथ मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में बहुत सारा काम है वो करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने थोड़ी सी मस्ती अपने बच्चे के साथ करी है, जो कि मैंने शुरुआत में उसको ऐड कर दिया है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और हो सकता हो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 वीडियो फुल देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा, हो सकता हो आपको पसंद आए। तो बस यहाँ पर मैंने इनके साथ मस्ती करी है। और लीजा वैसे भी जो है, हम लोग उसको घर के हिसाब से पाल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डर नहीं है, वो आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। तो बस मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में क्योंकि बहुत सारे काम थे। और ये फल वगैरह जो है, खीरे का तो मैं सोच रही हूँ सलाद वगैरह कट कर दूँगी। मैंने चुकंदर नहीं खाया है, अनार बाहर बहुत देर से रखा है, उसको भी मैंने नहीं खाया है। तो पतिदेव की डांट पड़ गई क्योंकि पतिदेव घर पर ही हैं। उन्होंने कहा पहले ये सारा कुछ ख़त्म कर लेना, फिर मुझसे बात करना। तो मैंने कहा चलो फिर ख़त्म ही कर लेते हैं। फिर फटाफट मैंने सारा कुछ कट करना शुरू किया। और पतिदेव भी हैं तो वो भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो यहाँ पर जो छिलनी होती है ना, छीलने वाली, आलू खीरा भी, वो मेरा बच्चा ना कूड़ेदान में डाल दिया है और वो पतिदेव फेंक आए हैं क्योंकि हम लोग देखे नहीं, देखते तो काहे फेंकते ही तो इसलिए फिर हाथ से मैंने सोचा ना कि खीरा जो है छीलते नहीं है, ऐसे ही कट कर देते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है यार। और दोपहर में खाओ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरे जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉग्स वगैरह बनाने का, लेकिन फिर आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ना बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं एक भी दिन मिस करूँ। और मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ, इसलिए कंटिन्यू बनी रहती हूँ। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल मेरा भी चैनल ग्रो होगा और आप लोग का प्यार और सपोर्ट अच्छे से मिलने लगेगा। तो बस इसी के चक्कर में मैं लगी रहती हूँ अपने तबीयत को किनारे करके तो बस यहाँ पर फटाफट चुकंदर काटने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, नाखून में रेड घुस जाता है ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहता है। और इतना टाइम नहीं कि चलो ग्लव्स पहनो फिर कट करो। तो हम हाउस वाइफ को होता ही है ऐसा यार। मेरी तरह कौन कौन है जो कि सोचता है फटाफट जल्दी से जो काम निपटे उसको ऐसे ही निपटा लो, चाहे खुद को नुकसान हो जाए तो बस मेरे साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैंने चुकंदर कट कर लिया है। संतरा इस टाइम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी क्योंकि सर्दी हो जाएगी, संतरे से भी मुझे सर्दी है ही है। और ये सारे फल ना मॉर्निंग से निकले हुए हैं, अभी शाम का टाइम है, आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो पतिदेव आते ही गुस्सा हो गए, जिसकी वजह से मुझे ये फिर से कट करना पड़ रहा है। तो अभी फटाफट खा लूँगी मैं इसको। खाना इस टाइम नहीं खाऊंगी क्योंकि फल ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खीरा नहीं खाऊंगी, सिर्फ चुकंदर और अनार खाऊंगी। संतरा और खीरा कल मैं खाऊंगी, पतिदेव अभी खा लेंगे तो भी उनको खाने का मन होगा। काला नमक लगा के ना खीरा वैसे भी अच्छा लगता है और सर्दी आ चुकी है तो सबको खीरा खाना चाहिए। खीरा हुआ, तरबूज हुआ, तो भी पतिदेव को टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन वो मार्केट जाएंगे ना उस दिन तरबूज वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारा कुछ कट कर लिया है। चुकंदर है, अनार है, खीरा है, गाजर भी है साथ में। अभी ये कूड़ा फेंकते हैं और उसके बाद फिर जो है मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी काम करना है अपने बच्चे के लिए। तो चलिए आज वो ज़रूरी काम मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता हो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर मैंने गैस चलाई और गैस पर कंडी रख दिया, गैस धीमा कर दिया। जब तक ये इसमें आग बनेगी ना तब तक मैं ये थोड़े से बर्तन धुल लूँगी। चाय के बर्तन हैं और थोड़े बहुत वैसे बर्तन हैं, तो ये सारा कुछ मैं धुल लूँगी क्योंकि जो है दोपहर से मैंने धुले नहीं थे। और ये सारे दोपहर के भी कुछ हैं, कुछ शाम के भी हैं, कुछ मैंने मॉर्निंग में बनाया नहीं था। तो पतिदेव जब आए तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई और लइया भून के मैं रखी रहती हूँ। तो खीरा और प्याज टमाटर उसमें कट कर देती हूँ, तो वो पेट भरने वाला नाश्ता हो जाता है। और अभी जब दोबारा जाएंगे फिर आएंगे, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी आराम से। तो यहाँ पर फटाफट मैंने थोड़े से बर्तन धुले और उसके बाद कंडी जो मैंने रखी है ना, कहते हैं कि रोज़ शाम को घर में सुलगाना चाहिए, मतलब जलाना चाहिए। कंडी जला के उसमें जो है उबान होती है ना, वो पतिदेव झरा कर ले आते हैं, झराकर मतलब पंडित से फुकवा कर। तो वो हम रोज़ शाम को अभी को सेकते हैं, खुद को सेकते हैं, पूरे घर में भी जो है फैलाते हैं। इससे क्या होता है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है। क्योंकि हम लोग पूरा दिन कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस कुल्हड़ में सुलगा दिया है। अभी इसको अभी को दिखाऊंगी और पूरे घर में मैं जला दूंगी। और सेकंड ये उपाय है, जब बच्चों को नज़र लगती है, तो मेरे खासकर मेरे बच्चे को जब लगती है तो मैं कोशिश यही करती हूँ, एक तो रुई की बत्ती वाला जो नज़र उबारा जाता है ना, वो मैं करती हूँ। सेकंड यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है बड़ा सा, 3-4 परत है, इसे मैंने प्याज और लहसुन के छिलके डाल दिए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें चोकर ऐड कर दिया है और 5 बड़ी मिर्च ऐड करूँगी रेड वाली, और थोड़ा सा मैं इसमें राई ऐड कर दूँगी। और ये सारा चीज़ मैं उसको उबार के ना जला दूँगी। अगर उसको नज़र लगी है तो ये बिल्कुल भी नहीं झराएगा, और अगर नज़र उसको नहीं लगी है तो ये झराएगा। तो ये उपाय मैं करती हूँ अपने बच्चे के लिए। आप क्या करते हैं? अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है। मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। यहाँ पर पी रही हूँ हल्दी वाला दूध, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीना है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या होता है ना, जुनून जो होता है ना, वही मेरे सर पे है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय फ्रेंड्स।